हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने भाई के चैनल लाइनक्स किंग्स में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रॉक्सी सर्वर क्या है और ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो मैं आपको आज बहुत ही इजी तरीके से इसको कॉन्फ़िगर करना बताऊंगा कि आप अपने रेड हैट में इसको कैसे बहुत इजीली तरीके से मतलब कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। पहले तो मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगा, फिर आपको प्रैक्टिकल इसको कॉन्फ़िगर करके भी बताऊंगा। तो चलो अपन पहले इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि ये बंदे को एनोनिमस कैसे बना देता है। तो जैसे कि अपन यहाँ पे तीन मशीन लेने वाले हैं, तो ये तो होगा हमारा मेन सर्वर, ये होगा हमारा प्रॉक्सी सर्वर, और ये जो यहाँ पे होगा ये होगा हमारा क्लाइंट। हम क्लाइंट एक भी ले सकते हैं, दो भी ले सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन मैं यहाँ पे अभी एक ही ले रहा हूँ। तो हम क्लाइंट को डालेंगे इस पे। क्लाइंट हमारा कहाँ पे लॉग इन करेगा? प्रॉक्सी सर्वर पे। ठीक है, और प्रॉक्सी सर्वर कहाँ पे रिडायरेक्ट कर देगा इसको? मेन सर्वर पे। तो ऐसे कुछ ये वर्क करेगा। तो पहले मैं यहाँ पे इसके आईपी डाल देता हूँ, इसके आईपी आपको चेक करा दूंगा। मेरे को तो याद है मेन सर्वर की आईपी है 192.168.1.5, ओके, और हमारी प्रॉक्सी की आईपी है 192.168.1.6, और हमारी विंडो क्लाइंट की आईपी है 192.168.1.7। ये हमारी विंडो की आईपी है। तो मैं आपको अभी चेक करा देता हूँ। जैसे कि रेड हैट है, ये तो हमारा है मेन सर्वर, आप देख सकते हैं रेड हैट एंटरप्राइजेस 5 जो है ये तो हमारा मेन सर्वर है। इस पे हमारा टेलनेट कॉन्फ़िग है, तो मैं आपको चेक करा देता हूँ एक सेकेंड। इफ कॉन्फ़िग, इस कमांड को यूज करके हम इसकी आईपी देख सकते हैं। तो अब सॉरी, इसकी आईपी 8 है, 8 मैंने वहां पे 5 लिख दिया, तो मैं यहाँ पे आईपी चेंज कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारे मेन सर्वर जो उसकी आईपी चेंज है 8 है, तो मैं यहाँ पे आईपी चेंज कर दूंगा थोड़ा, यहाँ पे 8 कर देता हूँ। ठीक है, और अब ऐसे हम एक बार प्रॉक्सी सर्वर की भी चेक कर लेंगे आईपी क्या आ रही है हमारे पास प्रॉक्सी सर्वर की। इफ कॉन्फिग, इसकी 6 आ रही है, ओके। जो ये है ना रेड हैट 2, यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड हैट 2, ये मेरे पास प्रॉक्सी सर्वर है। ठीक है, तो मैं इसकी भी चेंज कर देता हूँ 6। वैसे इसकी ठीक है, इसकी चेंज नहीं करनी है हमारे पास, मैंने इसकी 6 ही डाली है, और इसकी 6 ही आईपी आ रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रेड हैट जो 2 है ना मशीन मेरी, मैंने इसको प्रॉक्सी सर्वर में चेंज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी आईपी ठीक है, और अब मैं विंडो की चेक कर लेता हूँ मेरी विंडो की आईपी क्या आ रही है। सीएमडी में जाके यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िग डालूंगा, और यहाँ पे ये मेरे को शो कर रहा है 192.168.1.7। तो ये मैंने आईपी एकदम ठीक डाल लिया है। तो चलो अब हम आगे बात करते हैं कि कैसे वर्क करता है। जैसे कि मेरे को मेन सर्वर पे जाना है, तो अपन एक बीच में प्रॉक्सी काम में ले रहे हैं, जिससे कि मेन सर्वर को पता नहीं चलेगा कि मेरे पे कौन लॉगिन है, उसकी आईपी क्या है, तो हमें वो ट्रैक नहीं कर पाएगा, उसके लिए हम एनोनिमस है, ओके। तो ठीक जैसे सर्वर को, मेन सर्वर जो उसको पता नहीं चल पाएगा, वैसे ही विंडो सर्वर को भी नहीं पता चल पाएगा कि हमारे मेन सर्वर की आईपी क्या है, कि हम जो हमारा जो पेज है वो किस पे रीडायरेक्ट हो रहा है, उसको नहीं पता चल पाएगा। दोनों को किसको आईपी, मेन सर्वर को, जैसे ये मशीन है ना हमारी मेन सर्वर, और विंडो को किसकी आईपी पता होगा, इसकी। तो इस तरह से कुछ प्रॉक्सी काम करता है, बंदों को एनोनिमस बना देता है, जिससे किसी की लोकेशन हम ट्रैक नहीं कर पाते आईपी के थ्रू, किसी पे अपन, किसी दूसरी मशीन पे अपन अटैक नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इससे हम एनोनिमस बन के रहते हैं। तो कुछ इस तरह से वर्क करता है। तो आइए अब लैब स्टार्ट करते हैं। मेन सर्वर जो है ना उस पे आ रहा हूँ मैं, इसको यहाँ से क्लियर कर देता हूँ, और इस पे मैं आपको बता दूं, इस पे मेरा टेलनेट वर्क कर रहा है, मैं आपको दिखा देता हूं। विम ईटीसी जाइंट डी डॉट डी टेलनेट। तो आप देख सकते हैं यहाँ से मेरा टेलनेट यहाँ पे वर्क कर रहा है। अगर आपने टेलनेट की वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके देख लें, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन में दे दूंगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं, ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, वो वीडियो देख लेंगे तो, कि टेलनेट को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, उसके बारे में मैंने थोड़ा अच्छे से बताया भी है टेलनेट के बारे में। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं कि मेरे को ये दिक्कत आ रही है, मैं उसका सोल्यूशन दे दूंगा आपको। ठीक है, तो इतना करने के बाद में हमने इस पर तो टेलनेट कर दिया है कॉन्फ़िग। अब हम इसको एक बार रिस्टार्ट कर लेते हैं इसकी सारी सर्विसेज को। तो मैं आप डालूंगा सर्विसेज जाइन, सॉरी सर्विस स्टार्ट, यहाँ पे सर्विस रिस्टार्ट हो गई है। मैं फायरवॉल को ऑफ कर देता हूँ। आईपी टेबल्स
हाइफन कैपिटल एफ, तो इससे हमारा फायरवॉल ऑफ हो जाता है। और यहाँ पे एक सेटन फोर्स की कमांड और होती है, मैं उसको भी जीरो कर दूंगा, बहुत बार ये भी दिक्कत कर जाता है। तो अपन सब कुछ क्लियर करते हुए चलेंगे। तो मेरा मेन सर्वर पे काम पूरा हो गया, जो भी मेरे को करना था मैंने कर दिया, ठीक है। अब अपन चलते हैं प्रोक्सी सर्वर पे। तो मैं ऐसे प्रोक्सी जो आपको बताया था रेड हैट 2 को मैंने प्रोक्सी बनाया है, तो अब हम इस पे वर्क करते हैं। तो मैं इसको सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ। अब हम कौन सी फाइल में चलेंगे, टेलनेट वाली में। तो टेलनेट की कौन सी फाइल कहाँ पे होती है, विम ईटीसी जाइंटिड डॉट डी, यहाँ पे टेलनेट। और यहाँ पे ये डिसेबल है, यस है, तो हम इसको नो कर देंगे, यानी कि इनेबल कर लेंगे टेलनेट को, ठीक है, नो। अब टैब मारेंगे हम, यहाँ पे आ जाएंगे और इसको रिडायरेक्ट कर देंगे, यहाँ पे रिडायरेक्ट। और इसको रिडायरेक्ट कहाँ पे कर देंगे, पहले यहाँ पे इजिकल टू। तो हमारे जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम इसको रिडायरेक्ट किस पे कर देंगे, हमारे मेन सर्वर पे। तो हम यहाँ पे मेन सर्वर की आईपी डाल देंगे 192.168.1.8, शायद ये आईपी थी ना, चलो ठीक है, ये डाल के देख लेते एक बार और इसको सेव कर देंगे, ठीक है। अब हम सर्विस से इसको रिस्टार्ट कर लेते हैं। तो सर्विस जाइंटेड रिस्टार्ट, और अब हम जो हमारा फायरवॉल है उसको ऑफ कर देंगे, आईपी टेपल्स हाइफन कैपिटल एफ सेटन फोर्स, ठीक है। तो ये हमारा इतना हो गया। अब हम चलते हैं विंडो पे और अब हम इसको कनेक्ट करके देखते हैं क्या बताता है। तो मैं यहाँ पे मेरा सीएमडी ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे डालता हूँ टेलनेट, और किसकी आईपी डालूंगा मैं, प्रोक्सी की 192.168.1.6, और एंटर प्रेस कर दूंगा यहाँ पे। हाँ, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ, ये लॉगिन का पेज यहाँ पे ओपन हो गया। तो मैं यहाँ पे रूट, और मैं रूट के पासवर्ड डाल दूंगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं मैं लॉगिन हो गया हूँ यहाँ पे। अब मैं चेक करता हूँ इफ कॉन्फिग करके। हाँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे जहाँ पे लॉगिन हुआ है वहां की आईपी नहीं आ रही है, मेरे प्रॉक्सी की आईपी आ रही है। अब हम चलते हैं मेन सर्वर पे, वहां पे और चेक कर लेते हैं कि वहां पे ये क्या शो करता है। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ 2-A। तो आप देख लेंगे कि रूट से लॉगिन तो हूं मैं, लेकिन ये मेरे को बता रहा नहीं है कि हमारी आईपी क्या है, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ काम करता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं।